सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला बारिश के चलते टाई रहा। सूर्य कुमार यादव इस सीरीज में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज तो रहे ही, साथ ही वो दोनों टीमों की तरफ से भी सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पहले नंबर पर रहे। उन्होंने दो मैचों की दो पारियों में 124.00 की औसत से 124 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 203.27 का रहा। वहीं उन्हें सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया। उन्होंने सिराज के साथ साथ टीम इंडिया की जमकर तारीफ की है। उन्होंने बात करते हुए कहा कि अब तक जिस तरह से चीजें चली उससे मैं वास्तव में खुश हूँ। यहाँ पूरा खेल खेलना पसंद करता और जैसा कि सिराज ने कहा कि मौसम हमारे हाथ में नहीं है, दबाव हमेशा बना रहता है, लेकिन मैं प्रेशर नहीं लेता और साथ ही मैं अपनी बल्लेबाजी का आनंद ले रहा हूँ। मैं बस मैदान पर आ रहा हूँ और खुद को अभिव्यक्त कर रहा हूँ। मैं किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं लेता। मेरी मंशा और दृष्टिकोण साफ रहेगा। हम बस बाहर जा सकते हैं और खुद को अभिव्यक्त कर सकते हैं। पूरा मैच होता तो अच्छा होता, लेकिन ये भी ठीक है। वहीं डकवर्थ लुईस नियम के तहत भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया मुकाबला बारिश की वजह से टाई रहा। भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज पर 1-0 से कब्जा किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और क्रिकेट से जुड़ी ढेर सारी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।